साल भर जमा की बच्चों ने फीस प्रबंधन को मालूम नहीं, न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी करेगा आंदोलन। मामले में स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज के प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अमन गुप्ता ने कोतवाली में दी तहरीर। बच्चों को नहीं मिला न्याय तो उग्र आंदोलन को बाध्य होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अमन गुप्ता, लखीमपुर खीरी। स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज में बच्चों के साथ हुई धोखाधड़ी से करीब दर्जन भर बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है। इन बच्चों को मार्कशीट देने से विद्यालय प्रबंधन ने मना कर दिया, जिसके बाद मामला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास पहुंचा। जिला संयोजक अमन गुप्ता द्वारा इस मामले में बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है और कार्यवाही ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अमन गुप्ता ने बताया कि स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज में कक्षा 11 के करीब एक दर्जन छात्रों ने उनसे यह शिकायत की है कि विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें कक्षा 11 की मार्कशीट देने से मना कर दिया है। जब विद्यार्थियों ने इसका कारण पूछा तो पता चला कि बच्चों की फीस नहीं जमा है। बच्चों ने जब विद्यालय के प्रिंसिपल को यह जानकारी दी, उन्होंने अपने क्लास टीचर विनोद अवस्थी को पूरी फीस दे दी है और उनके द्वारा उन्हें कोई रसीद भी नहीं दी गई थी। इस पर विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों से उनसे फीस वापस लाने को कहा। बच्चों ने जब अपने क्लास टीचर विनोद अवस्थी से बात की तो पता चला कि विद्यालय प्रबंधन में विनोद अवस्थी प्राइवेट टीचर के तौर पर रखे गए थे और विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनका 2 साल का वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी भरपाई उन्होंने बच्चों से कर ली है और अब बच्चों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन के पास उनकी जो सैलरी है उससे अपनी फीस को मैनेज करवा दो। मामले ने तूल पकड़ा तो थके हारे छात्र विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट पर गए, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में जब यह बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक अमन गुप्ता के पास पहुंची तो उन्होंने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले तो विद्यालय प्रबंधन से बात की, जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने इस मामले में डीआईओएस से बात की, जिस पर उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि बच्चों की मार्कशीट मिल जाएगी, परंतु जो पैसा प्राइवेट शिक्षक लेकर गया है उसके खिलाफ वह कार्रवाई नहीं कर सकते। और उन्होंने अमन गुप्ता को कोतवाली में जाकर विनोद अवस्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की नसीहत दी। विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अमन गुप्ता कोतवाली पहुँच गए। उनके साथ तमाम पीड़ित छात्र भी थे। उनके द्वारा कोतवाल को मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। हालांकि यहां भी टालमटोल होती हुई दिखाई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर शनिवार सुबह तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई और बच्चों को न्याय नहीं मिला तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रंजीत, शुभम सिंह, ऋषभ, नीरज कुमार, अल्तमश आदि तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमन, क्या था पूरा मामला? देखिए, मेरा नाम अमन है, मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक हूँ। पूरा मामला ये था कि स्वामी श्याम प्रकाश इंटर कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने अपनी साल भर की फीस विद्यालय के जो क्लास टीचर थे उनको सबमिट की थी। और क्लास टीचर का अब ये कहना है कि मेरी विद्यालय से सैलरी बकाया थी पिछले 2 साल से, अब मैं ये पैसा जो है अपने पास रखे ले रहा हूँ और मेरा जो कॉलेज का प्रबंधन समिति है उससे सेटलमेंट करा दीजिए। अब इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती थी? उन्होंने तो अपने क्लास टीचर को अपनी फीस जमा करी थी। अब मेरा यही सबसे अनुरोध है, जो जिला प्रशासन है उससे यही अनुरोध है कि जो विद्यार्थी हैं उनका उनको पैसा वापस दिलाया जाए। पहली बात तो अगर नहीं मिलता है तो विद्यार्थी परिषद तो क्या करे? परिषद उन विद्यार्थियों के साथ खड़ी है और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कितने बच्चे हैं लगभग इस तरह के? ये ओवरऑल 40 स्टूडेंट हैं और एग्जैक्ट अगर डाटा देखा जाए तो वो अभी मेरे पास आया नहीं है।